देखिए 4.4 महीने कह रहे हैं कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। क्या ऐसी आम की बगिया संभव है जिसमें लंबाई जो है और उसका क्षेत्रफल ₹800 मीटर और यदि हाँ तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये तो इसने नहीं बताया कि ये बगिया किस आकार की है, लेकिन आपको पता लग गया होगा कि जब लंबाई और चौड़ाई की बात की है तो बगिया कैसी होगी, आयताकार होगी, आयत में होती है लंबाई और चौड़ाई। अभी कह रहा है क्या आपकी ऐसी बगिया संभव है बनाना जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी हो, साथ साथ उसका क्षेत्रफल भी 800 वर्ग। मान आयता का बगिया चौड़ाई एक्स मीटर तथा बस हमने मान लिया कि इसकी चौड़ाई है, लंबाई कितनी बता रहे, लंबाई तो दूरी बता रहे चौड़ाई। अच्छा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है कोई नहीं बताया, बच्चे तो पूछो और ना बोले मास्टर नहीं है। अच्छा वो तुम बताओ बेटा, लंबाई गुणा आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई। तो क्षेत्रफल है कितना 800, लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है 2x, नहीं बता हो रहा है लंबाई 2x है और चौड़ाई कितना हो जाएगी। अब 2 से 800 कट जाएगा कितना आ जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं हम ये जो शब्द का प्रयोग किया है क्या आम की बगिया की बगिया संभव है, ये जो संभावना इसने कह दी तो ये आप विविक्तिकर से बताओ, क्योंकि विविक्तिकर जो होता है अगर वो ऋणात्मक होता है मैंने कल भी बताया था तो समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं होते इसका, और समीकरण के वास्तविक मूल संभव नहीं है तो समीकरण तो हमारी x में बनी है और x क्या है आयत की लंबाई चौड़ाई, और जब समीकरण के मूल ही संभव नहीं है मूल x के मान होते हैं यानी x के मान संभव नहीं है यानी बगिया की चौड़ाई संभव नहीं है, इसका मतलब बगिया भी संभव नहीं है। किस स्थिति में जब विविक्तिकर का मान ऋणात्मक, और अगर विविक्तिकर का मान 0 या धनात्मक है तो समीकरण के वास्तविक मूल संभव है यानी बगिया बनाना संभव है। ऐसे करो तो चेन ले लो दोनों से, ये सब गर्मी में बैठे हुए इधर आ जाओ, यहाँ पंखे में आ जाओ, तुम्हें नीचे जाओ कुर्सी लो बैठ नीचे अपने, ये सीधी कर लो कुर्सी से। अब ये ए का मान बता रहा है, ए बी का मान, अब ये ए भी क्या है, ये समीकरण भूल रहे हैं, तीन द्विघात समीकरण ठीक है, इसमें ए का मान कितना है एक, बी है ही नहीं, एक्स है कहाँ इसमें, और अचर पद कौन है, ये है सी बराबर माइनस, अब कौन निकालेंगे इसे कहते हैं बी, क्या है इसका मान एक मान 0, 4 × 1 सी का मान कितना आ गया 0 माइनस प्लस 4 × 4 डी का मान निकल कर आ रहा है कितना, ऋणात्मक है ऋणात्मक है, आप कहेंगे
डी का मान धनात्मक है, अतः समीकरण के वास्तविक मूल वास्तविक मूल तो x के मान होते, यानी x के मान संभव है, यानी x के मान अर्थात चौड़ाई संभव है, अतः आम की प्रक्रिया संभव है। ये इसके सबसे पहले वाली बात का उत्तर हमने निकाला है। कुछ बच्चे तो यही खत्म कर देंगे x बराबर वर्गमूल 400, उसे 20 गुणा 20 लिख के 20 बाहर निकाल देंगे, x का मान 20 आ गया, सवाल यही खत्म हो गया। आपने ये बताया था कि बगैर संभव है नहीं, इस वाली बात का उत्तर बता दिया आपने, तो सीधे आंसर निकाल दिया। तो ये 6 नंबर में अगर आ गया तो 2 नंबर से ऊपर नहीं मिलेंगे आंसर। ये तीनों सवाल एक से ही है। ये वाला मैं करा चुका हूँ, चौथा वाला, इसका वीडियो डल चुका है, आज डल जाएगा शाम, ठीक है, वो ग्रुप पे डाल दूंगा। अब ये खास बात करा कि लंबाई और चौड़ाई दोनों निकाल के तो दो तरीके हैं, या तो यहाँ से निकाल लें हम लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई निकल आएगी यहाँ से एक्स और सीधे, या फिर हम द्विघात सूत्र लगा तो द्विघात सूत्र की प्रैक्टिस कर लेते। तो यहाँ पर ये सवाल हम दो मेथड से कर सकते हैं इसके आगे, क्योंकि x की घात 2 बराबर 400 है तो x बराबर वर्गमूल 400 हो गया, यानी वर्गमूल 20 गुणा 20 कितना 20, अतः हो गया कि चौड़ाई कितनी आ गई 20 मीटर और लंबाई 40, लंबाई जो है वो 2x है तरीका, तो ये है इसका, ठीक है। सेकंड मेथड क्या होगा, कहां से शुरू होगा सेकंड मेथड, इसके आगे तीसरा तरीका हो गया, इसके आगे से आप चाहो तो ये वाला भी मेथड यूज कर सकते हैं। क्योंकि बी का मान 0 से बड़ा है, जब भी डी का मान 0 से बड़ा होता है तो हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं समीकरण के मूल निकाल। क्या था द्विघात सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, ये द्विघात सूत्र तभी लगता है जब व्युत्पत्ति का 0 आ जाए या 0 से बड़ा, 0 से छोटा आएगा बाद में खत्म, बोले भाई वास्तविक मूल संभव नहीं है तो सूत्र क्यों लगाओ, x बराबर माइनस बी का मान 0 प्लस माइनस वर्गमूल 400 बटे 2 गुणा ए का मान 1 दिया कितना आ गया 0 को कटाई दो प्लस माइनस वर्गमूल 20 गुणा 20 बटे 2 तो 20 बाहर आ गया बटे 2 तो उसे 10 बार कटा, x बराबर कितना यहाँ 20 बाहर आ गई और यहाँ क्यों 10 आ गया, हाँ समझ गया, बी का मान तो 1600 आया है ना, 1600 को लिखोगे 400 गुणा 400 तो इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, 400 गुणा 40 गुणा 40 कितना निकलेगा वर्गमूल, इसका प्लस माइनस 40 कितना आ जाएगा प्लस माइनस 20, यानी x बराबर प्लस 20 या x बराबर x का मान या तो प्लस 20 होगा या माइनस, क्योंकि किसी भी चीज की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, चौड़ाई भी तो एक लंबाई होती है, तो आप देखेंगे चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः x का मान कभी भी माइनस 20 बराबर नहीं, अतः x बराबर कितना फिर ये वाले दोनों लाइन बगैर की चौड़ाई 20 मीटर।
बगैर नहीं।